बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन में कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खूब खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ वह किसी मुसीबत में पड़ गया है, अब हम क्या करें। कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली, मित्रों वह जिधर प्रायः चरने जाता है उधर मैं उड़कर देखाता, पर अंधेरा घिरने लगा है, हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया, अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा, मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चलता हूँ। कोए भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना, कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण तुम कहाँ हो, आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था, दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबका, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ, वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है, उसकी जान खतरे में है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। सच्ची मित्रता की वजह से चारों मित्र अपने घर वापस लौट आए और खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में बड़ी मुसीबतों का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल टप्पू के कार्टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम दोस्तों।